वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित राइडर। सो कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया ही रहना। सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो भाई मेरा मूड खराब हो रहा है यार। पहले तो मूड खराब नहीं करना यार, आपके लिए वीडियो शूट करनी है यार। मैं गया था गाइज एक्चुअली वीडियो शूट करने, अपना बाइक का मतलब ऑनरशिप रिव्यू देने 7000 किलोमीटर का। तो भाई मैंने वो शूट किया बट वो पता नहीं क्या हुआ कि वीडियो खराब हो गई और वो मैंने शूट लगभग 1.5 मिनट की थी बट वो 6 सेकंड की बनी। डोंट नो क्या हुआ था क्या नहीं। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, घर पे आके मैं आराम से शूट कर लूँगा। तो भाई फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं बेसिकली अपनी बाइक का पल्सर 960 का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। मैंने अपनी बाइक रन कर लिया है लगभग 7000 के अराउंड। बाकी भाई आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। और अगर आप N160 पल्सर N160 2024 का मॉडल खरीदना चाह रहे हैं तो भाई बिल्कुल हंस के भाई शोरूम जाओ एंड ये बाइक बाय करके लाओ भाई। अपाची को तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है अपाची 160 सेगमेंट के अंदर इस बाइक से अगर कंपेयर करें तो। तो भाई मेरी वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो पूरा देखना एंड आपके लिए वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल हो सकती है। तो चलते हैं, अब डायरेक्ट मिलेंगे आपसे मोटोब्लॉग सेटअप पे। काम से भाई फ्री हो चुका है तुम्हारा भाई। हो भाई पीछे भाई मेरे को लगता है मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी थी। खैर भाई अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो भाई अपनी बाइक जो है वो चल चुकी है 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, मतलब 7022 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। और अब भी देखो तुम्हारा भाई रन ही कर रहा है, इसको चला ही रहा हूँ, मतलब आपके लिए मोटोब्लॉग शूट ही कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो बाइक है ना, इसका अगर मैं ओनरशिप रिव्यू दूँ तो गाइस इसका ओनरशिप रिव्यू मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि भाई ये बाइक मैंने ली थी 2024, मतलब ये 2024 ही चल रहा है और इसी साल में मैंने फरवरी में बाइक ली थी 14 फरवरी। तो 14 फरवरी से और अब आज डेट हो चुकी है 27 सितंबर। तो भाई ये लगा लो कहीं ना कहीं 6-7 महीने हो गए बाइक को मेरे को ऑन करते हुए। तो मतलब अब तक मैं इससे लॉन्ग राइड की बात की जाए तो भाई लंबी से लंबी राइड जो अभी देखी जाए तो भाई मेरी अयोध्या और काशी की रही है इससे। और भाई बाकी मैं छोटी मोटी राइड तो अप डाउन की 700-800 किलोमीटर की 2-3 लगा चुका, जैसे जयपुर अलवर हो गई, चकराता हो गई। और बाकी भाई अपकमिंग राइड्स भी भाई अपनी चलती रहेगी, आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा। बाकी फ़िलहाल भाई 7022 किलोमीटर के अंदर मेरे को, मैं अभी तक आपको बताऊँ, इसके पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो भाई पॉजिटिव पॉइंट्स देखा जाए तो भाई इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो भाई ये है कि मतलब ये लगा लो कि मेरे को इसके पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ये बाइक 160 सेगमेंट के अंदर भाई काफ़ी मतलब कंफर्ट फील करवाती है जब मैं इसको राइड करता हूँ। चाहे आप ऑफ रोडिंग ले लो, चाहे आप एडवेंचर ले लो, चाहे आप स्लोप वाले एरिया पे ले लो, भाई तीनों जगह पे भाई ये बाइक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है मेरे ओपिनियन के हिसाब से, जो मेरी थिंकिंग है। बाकी तो भाई आप चाहे भाई 200 सीसी की बाइक चला लो, भाई डिपेंड ऑन बंदे के ऊपर कि भाई बंदा कैसा है, कैसे उस तरीके से चला रहा है बाइक को। तो भाई यही है कहने है, मतलब कि भाई मेरे को ये बाइक बहुत अच्छी, मतलब मैंने ली है तो भाई मेरे को कंफर्ट फील होता है चलाने। बट हाँ कहीं ना कहीं अगर इसको आप क्रूज़ करते रहोगे ना 80-90 की स्पीड पे, मान लो कि आपने इसको 10-20 किलोमीटर कंटिन्यू चलाया, तो भाई कहीं ना कहीं ये बाइक भाई हीटिंग इशू बहुत करती है, मतलब हीट जो है बहुत ज़्यादा करती है। इसका जो इंजन है भपका मारता भाई, आप खड़े नहीं हो सकते गर्मी में इसके इंजन के पास, इतनी तेज़ हीटिंग होती है सोचो। बस नेगेटिव पॉइंट मेरे को यही लगता है। बाकी तो भाई देखो लॉन्ग राइड पे सक्सेस है बाइक, आराम से कंफर्टेबल है। बट हाँ जो इसकी हैंडलिंग है ना यार, वो कहीं ना कहीं बहुत भाई डाउन साइड है, तो जिससे मेरे को भाई प्रॉब्लम होती थी मेरी बैक वगैरह में, शोल्डर्स वगैरह में मेरे पेन होने लग गया था, तो जिस वजह से भाई मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो मैंने इसमें हैंडल बार राइज़र लगवाया, जिससे भाई हैंडल मैंने उठवा दिया है इसका, तो अब ऐसी कोई खास प्रॉब्लम मेरे को लगती नहीं है। लॉन्ग राइड पे जो लगी थी लास्ट मैंने लॉन्ग राइड की थी उसमें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। खैर इन सब बातों को इग्नोर करते हैं, जो भाई काम की बात है वो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई ये बाइक 160 सेगमेंट के अंदर एज़ कम्पेयर टू अपाचे भाई बहुत अच्छी बाइक है। मैं कह रहा हूँ चाहे आप इससे ड्रैग रेस कर लो अपाचे से, भाई उसको तो भाई हल्ले में ले लेती है, मतलब ये लगा लो कि उसकी तो बैंड बजा देती है इनिशियल में भी देखा जाए तो, भाई टॉप एंड में भी। और इसका टॉप एंड देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बाइक भाई 140 भाग जाती है, नहीं,
अभी तक मैंने इसको 130 भगाया, वो भी 130 चले गई है भाई, क्योंकि मैंने कंपनी वाले मैकेनिक से पूछा था तो उसने मुझसे पूछा कि अभी तक कितनी सर्विस हुई है, जब मैं सेकंड सर्विस करवाने गया तो भाई सेकंड सर्विस में मैंने जब उसे बताया कि मेरी अभी एक ही सर्विस हुई है और वो पूछता कि टॉप एंड कितना जा रहा है, तो मैंने बताया कि अभी तक ये गई थी 128। बट मैंने जैसे ही सेकंड सर्विस करवाई तब मैंने मैकेनिक से पूछा कि अब कितनी जाएगा इसका टॉप एंड कितना जाएगा, तो भाई मैकेनिक ने कहा कि अब कहीं ना कहीं 1-2 किलोमीटर पर आर की स्पीड और बढ़ जाएगी। तो मैंने बस भाई यही बोला कि बढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई जब 160 सेगमेंट की बाइक है तो कहीं ना कहीं भाई ये लगा लो कि भाई जानी चाहिए 140 के अराउंड। तो और भाई मैंने काफ़ी मतलब बंदे देखे हैं जो 160 ऑन कर रहे हैं, N160 उनकी कम से कम नहीं तो नाना करते 142, 140, 141, 139 इतनी जा रही है। बट यार मेरी बाइक जो 130 से ऊपर अभी तक गई नहीं है, मैंने इसको पूरा खींच दिया, लिमिटर आ जाता है भाई तब भी नहीं जाती। उसका रीज़न है ना जाने का 130 से ऊपर, क्योंकि भाई मेरी बाइक के अंदर काफ़ी एसेसरीज लगी हुई है, मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा लोड है। आपको ही पता है आपके भाई ने भाई टूरिंग एसेसरीज भाई पूरी भर के लगा रखी है, क्योंकि मेरे को भाई टूरिंग करना ही पसंद है, मेरे को रेस वेस करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने भाई अपनी बाइक उसी हिसाब से एडवेंचर बना रखी है। बाकी भाई 7000 किलोमीटर मैंने चला लिए तो भाई मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है कि भाई मेरे को बाइक में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो या कुछ, ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ। गाइस मैंने आपको बताया कि भाई मेरी बाइक लोड है इस वजह से 130 से ऊपर नहीं जाती है। खैर कोई बात नहीं भाई, मेरे को देखो रेस वेस लगाना ऐसा कुछ पसंद भी नहीं है, तो ठीक है मेरे लिए जितनी जा रही है। बट मैं इतना ही यही कहूँगा कि भाई मेरे को ये बाइक बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लगती है 160 सेगमेंट के हिसाब से। बाकी बंदों को लगती हो ना लगती हो, आई डोंट केयर, मतलब डोंट केयर बोल रहा हूँ, ठीक है यार सबकी अपनी अपनी सोच ओपिनियन होती है, इट्स ओके। बट मैं तो यही कहूँगा कि भाई मेरे को काफ़ी मतलब सही इससे एक्सपीरियंस मिला है अभी तक। और अगर आप भी भाई 160 N160 लेना चाह रहे हैं तो भाई दिल खोल के भाई चले जाओ शोरूम एंड भाई ले लो भाई जाके। और इसमें अब तो भाई न्यू वेरिएंट भी आ चुका है USD फोक वाला और न्यू ग्राफिक्स के साथ, तो भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप उसे बाय करो भाई, बहुत अच्छी बाइक है और भाई बजटेबल बाइक है सबसे मेन बात। 1,60,000-65,000 में आपको इतनी बढ़िया बाइक भाई और कंपनी मैं तो ये कह रूँगी शायद ही देगी। बाकी भाई रही बात इसकी मेंटेनेंस की, तो भाई मेंटेनेंस जो है इसकी भाई ठीक ठाक है, मतलब ये लगा लो कि इसकी फर्स्ट सर्विस मेरे अराउंड 1500 के करीब हुई थी, 1400-1500, और जो सेकंड सर्विस का कॉस्ट है वो भी भाई इतने के लगभग ही हुई थी, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, 100-200 का मान लो। तो मेरा यही कहना है कि भाई नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कि इसमें हैंडलिंग थोड़ी सी भाई डाउन साइड है और भाई हीटिंग इशू है। बाकी भाई पॉजिटिव की बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा मतलब शॉकर वगैरह सब ओके रिपोर्ट है, ऐसी कोई बात है नहीं, देखो शॉकर वगैरह से रिलेटेड भी मैं बोलूँ तो सब कुछ बढ़िया है। बस भाई कहने का मतलब है कि भाई हमने दिल्ली के रोड बढ़िया नहीं है, जहाँ मर्जी आप चले हो भाई दिल्ली को आप नहीं सुधार पाओगे रोड्स के मामले में। और आपका भाई अभी अशोक विहार के नियर बाय, तो भाई आज मन किया यार आप लोगों के लिए व्लॉग बना ले लूँगी। भाई क्या है ना कि 3-4 महीने पहले मैं मुझे खुद को पता ही भाई मैं आप लोगों को भाई न्यू कंटेंट देता रहता था मेरे चैनल पे, बट यार क्या है ना कि अब भाई मैं टाइम नहीं मिल पाता तो उस वजह से थोड़ा फंस जाता हूँ, वीडियो नहीं आ पाती है, तो उसके लिए सॉरी गाइस, माफ़ी चाहूँगा। भाई तुम्हारा भाई पक चुका है भाई, इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, और मैं मुझे पता नहीं था कि आज मतलब थर्सडे है, तो भाई यहाँ पे ना थर्सडे मार्केट लगती है अंदर लोग पे, और मैं यहीं पे आपके लिए व्लॉग बनाने आ गया। बाय द वे मैंने व्लॉग में भाई काफ़ी चीज़ें इस बाइक से रिलेटेड बताई, तो भाई होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई अगर अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक भी कर देना भाई, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना भाई, और चैनल पर नया आए तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना इसी बात पर। तो भाई इसी वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, होप करता हूँ भाई आपको मेरा ये ओनरशिप रिव्यू अच्छा लगा होगा पल्सर N160 2024 मॉडल का। तो भाई मिलते हैं ऐसे ही किसी नए व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टिल देन बाय बाय।